और पंजाब के पठानकोट में दिखे संदिग्धों की तलाश इस वक्त जारी है। पुलिस ने संदिग्धों का स्केच भी जारी किया है। लोगों से इन तमाम संदिग्धों की जानकारी देने की पुलिस ने अपील की है। पंजाब के पठानकोट में एक बार फिर संदिग्धों के देखे जाने की सूचना मिली है। इस बार एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 7 संदिग्ध देखे गए हैं। गांव की एक महिला का दावा है कि संदिग्धों ने उससे पानी मांगा और पानी पीकर जंगल की ओर चले गए। 7 बंदे आए हैं, 4 मेरे इधर आए घर, 3 बंदे अंब लगे खड़े हैं। मैंने बोलते भैन जी पानी पीना, मैं पानी पिलाई दिता, फिर वो चल गए। फिर वो पीछे मुड़ी मुड़ी मैनू दिखन की कुछ रोड़ा तो नहीं कितने पाए कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस और सेना ने महिला से पूछताछ के बाद एक संदिग्ध का स्केच जारी किया है और लोगों से पूछताछ कर रही है। महिला से मिली सूचना के आधार पर सुरक्षा बल संदिग्धों की तलाश कर रहे हैं। इधर कई एंगल हो सकते हैं, कोई जंगल से भी काम कार करता हो सकता है, कोई उधर भी आया होगा पानी मंगया होगा, या ये जिस तरह दसाया गया कि शक्की बंदे भी हो सकते हैं, सारे एंगल आप वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पठानकोट के मामलों में भी 4 संदिग्ध देखे गए थे, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। संदिग्धों की सूचना देते हुए एक ग्रामीण ने बताया था कि संदिग्ध आर्मी की ड्रेस में थे और जंगल की ओर जा रहे थे। और विवादों में गिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर कहां हैं? पुणे पुलिस के 2 समन के बावजूद उनका कोई पता नहीं है। इस बीच उनसे जुड़े कई मामलों की जाँच तेज हो गई। आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है कि पूजा के फायदे के लिए उनके माता पिता ने फर्जी तलाक लिया था। अब केंद्र के आदेश पर पुणे सरकार ने इसकी जांच भी शुरू कर दी है। इस जांच के आदेश की कॉपी TV9 भारतवर्ष के पास है। पूजा खेड़कर पर आरोप है कि उन्होंने UPSC में OBC नॉन क्रीमी लेयर कोटे का गलत इस्तेमाल करते हुए झूठा दावा पेश किया कि उनके माता पिता में तलाक हो गया है। पूजा अब एक के बाद एक कई मामलों में फंसती जा रही है, क्योंकि जिस पुणे के YCM अस्पताल ने विकलांगता सर्टिफिकेट जारी किया था, अब उसकी जांच होगी, जिसमें बताया गया है कि पूजा के बाएं घुटने में स्थायी रूप से 7% विकलांगता है। पूजा ने इसी आधार पर प्रमाण पत्र भी हासिल किया था, लिहाजा जांच होगी कि क्या पूजा फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवा में शामिल हुई। ये भी जाँच होगी कि क्या सर्टिफिकेट के लिए किसी तरह का लेन देन हुआ। दिल्ली में UPSC के जरिए दर्ज FIR के बाद उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है, क्योंकि वो दूसरे समन के बाद भी पेश नहीं हुई। पूजा का मोबाइल नॉट रीचेबल है, न तो वो पुणे पहुंची है और न ही मसूरी गई है। पूजा कहाँ है किसी को नहीं पता। पूजा को 17 जुलाई को पुणे पुलिस कमिश्नर ऑफिस में पेश होना था, 2 समन के बावजूद वो वहाँ नहीं पहुंची। पुणे के कलेक्टर पर लगाए गए शोषण के आरोप में भी वो बयान दर्ज कराने नहीं पहुंची। पूजा को 23 जुलाई तक मसूरी ट्रेनिंग एकेडमी में जाना था, लेकिन वो वहाँ भी नहीं पहुँची। पूजा वाशिम से अहमदनगर और पुणे के बीच जाने वाले हाईवे से गायब है। पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला चलाने का आदेश दिया है। इस मामले में जोधपुर कोर्ट ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। ACGM CBI कोर्ट ने इस एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया है। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के लिए आदेश दिए हैं। बता दें कि 24 जून 2017 को आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था। इस एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए परिवार की ओर से केस दर्ज कराया गया था। वहीं CBI ने इस मामले में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सौंपी थी, साथ ही इसमें कोई फर्जी एनकाउंटर को लेकर एविडेंस नहीं होने की भी बात कही गई थी।